हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती और मेरे चैनल आदि मोनू किचन्स में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए नवरात्रि पे एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम एकदम कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे और सिर्फ दो चीज़ों का ही हमने इसमें यूज़ किया और बनाना भी बहुत ही सिंपल है। और ये देखिए, एक मैं आपको चेक करवाती हूँ तोड़ करके। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। बनाना भी बहुत ही सिंपल है, झटपट बन करके तैयार हो जाता है। और साथ में मैंने बनाई है व्रत में खाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी चटपटी सी चटनी। तो चलिए व्रत के लिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लाजवाब से व्रत वाले अप्पे। इस व्रत वाली रेसिपी को तैयार करने के लिए एक कटोरी समा के चावल लिए हैं मैंने। और ये देखिए, एकदम बारीक वाले चावल हैं ये। अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो आपको ये आसानी से किसी भी किराने वाले की शॉप पे मिल जाएगा। और एक कटोरी चावल के साथ में आपको 1/4 कप के करीब इसमें साबूदाना डालना है। अगर टेबल स्पून से मेजरमेंट करेंगे तो 3 टेबल स्पून ये हमने साबूदाना लिया है। बड़े साइज का बाउल लिया है तो उसमें मैं डाल रही हूँ चावल, साबूदाना भी डाल देंगे। इसमें हम पानी डालेंगे और चावल और साबूदाने को हम 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे, पानी निकाल देंगे। ये चावल और साबूदाने को हमने 2-3 पानी से अच्छे से साफ कर लिया है तो इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। इसे अब हम 1 घंटे के लिए कवर करके साइड में रख देंगे। 1 घंटे हो चुके हैं, चावल में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल देंगे। चावल में से हमने एक्स्ट्रा पानी पूरा निकाल दिया है और ये चावल को हमने 1 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था, उसके कारण चावल भी हमारा एकदम अच्छे से भीग चुका है। जार लिया है हमने तो उसमें हम चावल को डाल देंगे। में हम 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसे में। इसे अब हम पीस करके इसका बैटर तैयार करेंगे। और आज हम ये नाश्ता समा के चावल से बना रहे हैं तो ये चावल पानी अब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसे पीसते समय आपको इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। बैटर हमारा एकदम तैयार है, बाउल लिया है तो उसमें बैटर को निकाल देंगे। और ये देखिए, ये नाश्ता बनाने के लिए इस तरीके का ही गाढ़ा बैटर आपको तैयार करना है। इसमें मैंने सिर्फ दही डाला था, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये बैटर को 5 मिनट के लिए कवर करके साइड में रख देंगे और इस नाश्ते के साथ खाने के लिए एकदम टेस्टी सी चटनी तैयार करेंगे। पहले तो जार लिया है मैंने, उसे मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी मूंगफली के दाने, खूब सारा हरा धनिया डालेंगे, 8 से 10 कड़ी लीव्स डाल देंगे, हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें। ये मैंने 1 इंच अदरक लिया है तो उसे टुकड़ों में कट करके डालेंगे। 2 टेबल स्पून दही डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, नमक डाल देंगे व्रत वाला, सेंधे नमक का यूज़ कर रही हूँ मैं। 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और ये चटनी को हम एकदम अच्छे से पीस लेंगे। चटनी हमारी एकदम तैयार है तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी खाने में, आप इसे व्रत में भी या फिर नॉर्मल भी बना करके खा सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ मैं, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक ऐड करेंगे, हरा धनिया डाल देंगे, जिसे मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को बैटर के साथ में। आप इसमें चाहें तो कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं, जैसे कि गाजर, या फिर आप इसमें ककड़ी या फिर आलू को भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें 1 पिंच खाने वाला सोडा डाल सकते हैं या फिर इनो डाल सकते हैं, लेकिन आज हम ये नाश्ता व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए मैं व्रत में सोडा या इनो का यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलते हैं अब गैस की तरफ और अपर पैन को ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अगर आप व्रत में ऑयल नहीं खाते हैं तो आप इसे घी से भी ग्रीस कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपर पैन नहीं है तो आप इसे नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। सभी को ग्रीस कर देंगे ऐसे। अपर पैन को ग्रीस करने के बाद गैस का फ्लेम आपको एकदम लो ही रखना है और 1-1 चम्मच भर करके इसमें हम बैटर डालेंगे। ऐसे ही सभी को बैटर से फिल कर देंगे। पहले सभी को हमने बैटर से फिल कर दिया तो 2 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पे ऐसे कवर करके सिकने देंगे। 2 मिनट हो चुका है, एक बार चेक करेंगे। ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे सभी के ऊपर, 2-2 ड्रॉप। और ये देखिए, नाश्ता हमारा ऊपर साइड से ड्राई हो चुका है तो इसे हम पलटा देंगे। स्पून लेनी है और स्पून से इस तरीके से इसे पलटा देना है। ये देखिए कितना इजीली ये टर्न हो रहा है।
4 से 5 मिनट के अंदर ही नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि आज हमने इसे बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार किया है। जब 9 दिन के व्रत रहते हैं तो हमें लगता है हम कुछ हेल्दी सा खाएं, तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें मेरे तरीके से। अभी को हमने पलटा दिया है तो दूसरे साइड से भी 1.5 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही सीखने देंगे। दूसरे साइड से भी चेक करेंगे, इन्हें हम निकाल लेंगे और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से दोनों साइड से सीख चुके हैं। देखिए बैक साइड से भी कितना बढ़िया सीख करके तैयार हुआ है नाश्ता, निकाल लेंगे ऐसे ही सभी का हम। नवरात्रि व्रत स्पेशल बहुत ही टेस्टी से अप्पे हमारे तैयार है और साथ में एकदम टेस्टी से हमने चटनी भी बनाई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस नवरात्रि में आप इसे ट्राई जरूर करें और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आती रहे।